हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दिस संजय आपका स्वागत है इस वीडियो सीरीज़ के पार्ट थ्री में जिसमें हम इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी ऑंड एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि सी सीडीपी सिलेबस का थर्ड चैप्टर है इस सीरीज़ के हर वीडियो में हम हर एक चैप्टर से सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हेरिडिटी एंड एनविरोमेंट के बारे में व्हाट आर दे हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स इन दोनों टर्म्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है हेरिडिटरी फैक्टर्स अंदर इन्फ्लुएंस ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स अंदर इन्फ्लुएंस ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट और आखिर में हम पांच सैम्पल क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे पुराने क्वेश्चन पेपर से तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमें ये दो टर्म्स हेरिडिटी एंड एन्विमेंट इनके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए अब इन दोनों टर्म्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात किया है लेकिन एक बार रिकैप कर लेते हैं अब हेरिडिटी और एन्वेनमेंट जो है वो दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एक बच्चे के डेवलपमेंट को अब हेरिडिटी को हम नेचर भी बुला सकते हैं और एनवायरनमेंट को हम नर्चर भी बुला सकते हैं तो आपको ये नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है अब हेरिडिटी वो सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं अपने डी के थ्रू या अपने जीन्स के थ्रू तो ये यूजुअली फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि मेरा हाइट क्या हो सकता है या फिर एक बच्चे का बोन स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है उसके फेस का शेप क्या होगा उसके आँखों का कलर क्या होगा और नर्चर यानी कि जो इन्वेरानमेंट है वो किस तरह के इन्वेरमेंट में उस बच्चे को बढ़ने को मिल रहा है जैसे कि बच्चे को किस तरह का फूड मिल रहा है किस तरह का शेल्टर उसका फैमिली इन्वेरमेंट कैसा है उसके उसका एजुकेशन सिस्टम कैसा है तो कोई भी बच्चे के विकास में नेचर और नर्चर ये दोनों एट्रीट्यूट्स जो है वो इंटरेक्ट करके बच्चे के सारे जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स है फिजिकल हो सकता है मेंटल लैंग्वेज सोशल मॉरल सो ये सारे जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं उन सबको हेरिडिटी और इन्वेरमेंट ये दोनों अफेक्ट करते हैं हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स तो इन दोनों टर्म्स के बीच में क्या कनेक्शन है वेल well, जैसे कि जुअलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स होता है और बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स होता है तो उसी तरह जेनेटिक्स एक स्टडी ऑफ हेरिडिटी होता है अगर आप हेरिडिटी के बारे में पढ़ रहे हो उसके बारे में रिसर्च कर रहे हो तो आप जेनेटिक्स के फील्ड में काम कर रहे हो अब मेंडल जो है उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बुलाया जाता है क्योंकि जेनेटिक्स के फील्ड में जो ओरिजिनल फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स थे वो मोस्टली मेंडल ने ही कंडक्ट किया था और ये एक्सपेरिमेंट जो है वो उन्होंने पी प्लांट्स के साथ जो मटर बुलाते हैं हम तो मटर के प्लांट्स के साथ उन्होंने बहुत सारे जेनेटिक्स के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे उनके एक्सपेरिमेंट के लिए ग्रिगौरमंडल ने अलग अलग तरह के पी प्लांट्स को कलेक्ट किया जैसे कि कुछ प्लांट्स टॉल थे कुछ प्लांट्स बहुत ही शॉर्ट थे कुछ प्लांट्स के ग्रीन कलर सीड्स थे कुछ प्लांट्स के येलो कलर सीड्स थे और उन्होंने ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को क्रॉस किया ये देखने के लिए कि उसका क्या रिज़ल्ट होगा जैसे कि अगर एक टॉल प्लांट को एक शॉर्ट प्लांट के साथ अगर आप क्रॉस करते हो तो रिजल्ट क्या होगा एक येलो कलर्ड सीड वाला पी प्लांट को एक ग्रीन कलर पी का पी प्लांट के साथ अगर आप क्रॉस करते हो तो रिज़ल्ट क्या होगा और इन रिजल्ट्स के बेसिस पे उन्होंने कुछ थियोरीज बनाए जैसे कि कुछ डोमिनेंट ट्रेड्स होते हैं कुछ रिसेसिव ट्रेड्स होते हैं और इन्होंने जे जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट्स किया इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स तो उनके ऊपर आगे जाके बहुत सारे और साइंटिस्ट ने उनके एक्सपेरिमेंट्स को एक्सटेंड किया उनके थियरीज को एक्सटेंड किया तो इसलिए ग्रिगोरमेंडल को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी बुलाया जाता है नेक्स्ट हम देखेंगे हेरिडिटरी फैक्टर्स और उनके इन्फ्लुएंस बच्चे के डेवलपमेंट पे अब हेरिडिटी जो है वो मेनली बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट या फिर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्फ्लुएंस करता है जैसे कि बच्चे का फिजिकल अपियरेंस कैसा होगा उसका वॉइस कैसा होगा उसकी एथलेटिक एबिलिटीज उसके बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन तो ऐसे सारे जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल एट्रीब्यूट्स है वो बच्चा इनहेरिट कर सकता है अपने पेरेंट्स से अपने, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से और अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से भी क्योंकि ऐसे बहुत सारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक जनरेशन को स्किप करके नेक्स्ट जनरेशन में फिर से अपेयर हो सकते हैं अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जा रहे हैं और बहुत सारा डेटा भी है बोलने के लिए कि हेरिडिटी जो है वो इंटेलिजेंस और कॉग्नेटिव डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करता है लेकिन किस हद तक इसके इसको लेके अभी भी डिबेट चल रहा है लेकिन इसके बारे में कोई शक नहीं है कि हेरिडिटी जो है वो डेफिनेटली बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है अब सिर्फ हेरिडिटी काफ़ी नहीं है बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट को क्योंकि जैसे हमने पहले भी देखा है नेचर और नर्चर दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस रहता है बच्चे के डेवलपमेंट में और हेरिडिटी जो है वो सिर्फ नेचर है नर्चर यानी कि बच्चे को किस तरह का फूड शेल्टर उसका फैमिली एनवायरनमेंट उसको किस तरह का एजुकेशन मिल रहा है उसके उसका फ़िज़िकल एक्टिविटी तो ये सारे जो नर्चर फैक्टर्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के फिज़िकल डेवलपमेंट को लेकिन हेरिडिटी जो है वो एक तरह के एक तरह से एक फाउंडेशन होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट किस तरह से होता है या फिर किस तरह से हो सकता है और इसको लेके एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट चल रहा है कर्नाटका में कर्नाटका में एक कम्युनिटी है सिद्दीस और ये सिद्दीस जो है वो साउथ अफ्रीकन या फिर साउथ ईस्ट अफ्रीकन डिसेंट से हैं यानी कि इनके पूर्वज जो थे वो साउथ ईस्ट अफ्रीका में रहते थे अब जैसे कि आपने अगर कोई भी स्पोर्ट्स को देखा है अक्रॉस द वर्ल्ड तो जो अफ्रीकन डिसेंट के लोग हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं बहुत सारे फिजिकल स्पोर्ट्स पे वो उनका एक जेनेटिक एडवांटेज हो सकता है और उनका बेहतर मस्क्यशर हो सकता है तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हो सकते हैं जिनसे उनको शायद एडवांटेज मिलता है तो इसको लेके एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कर्नाटका में जहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इन सिद्धि कम्युनिटी के कुछ बच्चों को लेके उनको कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दिया जा रहा है उनको स्पेशल कोचिंग दिया जा रहा है ये देखने के लिए कि क्या वो उन स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं क्या अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप गूगल कर सकते हैं इसके बारे में बहुत सारे वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेशन है और विकीपीडिया में भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिश किया गया है नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वरॉमेंटल फैक्टर्स और उनका इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट पर अब बच्चे का डेवलपमेंट के लिए इन्वयमेंट यानी नर्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इन्विरॉमेंट यानी कि नर्चर जो है वो ना केवल फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है बल्कि मेंटल या फिर कॉग्नेटिव डेवलपमेंट और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अफेक्ट करता है जैसे कि एनविरोमेंट से बच्चे के फिजिकल ग्रोथ पे उसके इंटेलिजेंस पे एजुकेशन सोशल स्किल्स इमोशनल इंटेलिजेंस इंटरेस्ट एंड बिलीव्स सो ये सारे जो एट्रीब्यूट्स है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चे के उसके ऊपर इन्विरामेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट असर होता है अब ये एनवायरमेंटल फैक्टर साखिर है क्या वेल well, ये है फूड क्योंकि फूड ना केवल फिजिकल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि ऐसे कई सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे दिमाग का डेवलपमेंट होता है यानी कि ब्रेन का डेवलपमेंट होता है और जब ब्रेन का डेवलपमेंट होता है तो उसके इंटेलिजेंस पे भी वो असर पड़ता है तो फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है नेक्स्ट शेल्टर और फैमिली यानी कि बच्चे का किस तरह से उसके फैमिली के साथ इंट्रैक्शन हो रहा है किस तरह से उसको फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है बच्चे को किस तरह का एजुकेशन मिल रहा है उसके कितने दोस्त हैं किस तरह के दोस्त हैं वो दोस्तों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है और बच्चा किस तरह के सोसाइटी में रह रहा है और उसके सोशल इंट्रैक्शन कैसे हैं तो ये सारे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेराममेंटल फैक्टर्स हैं जो कि बच्चे के डेवलपमेंट पे और सारे फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पे वो इन्फ्लुएंस करते हैं अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एक छः साल की बच्ची सिक्स ईयर ओल्ड गर्ल जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देती है राइट और उसके दोनों पेरेंट्स जो है वो स्पोर्ट्स पर्सनस है दोनों स्पोर्ट्स खेलते हैं और वो इस बच्ची को कुछ कोचिंग के लिए भेजते हैं हर सा हर डे एवरीडे एंड उसको कुछ वीकेंड्स पे स्पेशली ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है तो उसके जो कैपेबिलिटीज़ है यानी कि उसके जो स्पोर्ट्स में जो एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटी है वो इनमें से किन दो रीज़न से हो सकता है अब यहाँ पे क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि बच्ची के दोनों पेरेंट्स जो है वो स्पोर्ट्स पर्सनस हैं तो ये हाईली पॉसिबल है कि वो बच्ची जो है वो अपने जीन से या फिर अपने डीएनए से उन उसके पेरेंट्स के कुछ कैरेक्ट्रिस्टिक्स को उसने इनहेरिट किया है यानी कि ये उसका एबिलिटी जो है स्पोर्टिंग एबिलिटी वो कुछ हद हाँ तक हेरिडिटी के कारण हो सकता है और नेक्स्ट सिर्फ हेरिडिटी से बच्चे का डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता उसको प्रॉपर एनविरोनमेंट भी मिलना चाहिए उसको फूड शेल्टर ट्रेनिंग ये सारे एस्पेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब है उसका एनविरोमेंट भी असर करता है बच्चे के डेवलपमेंट पे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हेरिडिटी एंड एनविरोमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनविरोमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट यानी हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये चार जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है हेरिडिटी और एनविरोमेंट के बारे में अब पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द रोल ऑफ एनवायरमेंट इज़ ऑलमोस्ट फिक्स्ड वेर आज द इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी कैन बी आल्टेड ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि हेरिडिटी को आप आल्टर नहीं कर सकते जो आपके जीन्स में है जो आपके डीएनए में है उसे चेंज नहीं कर सकते लेकिन एन्विमेंट को ज़रूर बदला जा सकता है जैसे कि आप एक बच्चे को बेहतर फैसिलिटीज़ दे सकते हो बेटर फूड दे सकते हो बेटर एजुकेशन दे सकते हो तो एनविरोमेंट फिक्स्ड नहीं है एनवरानमेंट को आल्टर किया जा सकता है हेरिडिटी फिक्स्ड है तो ये स्टेटमेंट गलत है नेक्स्ट द थियरी इज़ बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म आर लार्जली बेस्ड ऑन द रोल ऑफ नेचर इन ह्यूमन डेवलपमेंट ये भी गलत है क्योंकि बिहेवियरिज़म के जो थियोरीज यानी कि बच्चा किस तरह से बिहेव कर रहा है और उसके बिहेवियर के पीछे क्या कारण हो सकते हैं वो एक्चुअली नर्चर के कारण होते हैं नेचर के कारण नहीं क्योंकि तो अगर बच्चे के डी एन ए में तो नहीं लिखा होता कि वो चोर बनेगा या फिर वो अच्छा आदमी बनेगा वो संत बनेगा तो वो नर्चर के कारण होता है नेचर के कारण नहीं तो बिहेवियरिज्म जो है वो नर्चर को देखता है तो ये भी गलत स्टेटमेंट है नेक्स्ट द रिलेटिव इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी एंड एन्विमेंट वेरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट ये करेक्ट स्टेटमेंट है और इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है क्योंकि ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि अगर हम देखते हैं तो हेरिडिटी और इन्विरामेंट अलग अलग तरह के डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स पे अलग अलग तरह के इन्फ्लुएंस डालते हैं तो उनका इन्फ्लुएंस जो है वो वेरी होता है जैसे कि हेरिडिटी फ़िजिकल डेवलपमेंट को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इन्विमानमेंट ना केवल फिजिकल डेवलपमेंट को बल्कि बाकी सारे एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट को भी इन्फ्लुएंस करता है तो हेरिडिटी और इन्विरोनमेंट के असर जो है वो अलग अलग तरह के डेवलपमेंट पे अलग अलग तरह से होते हैं तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है और लास्ट वाला है द पॉलिसी ऑफ कॉम्पेंसेटरी डिस्क्रिमिनेशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ बेस्ड ऑन द रोल ऑफ नेचर इन ह्यूमन डेवलपमेंट ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि जो कॉम्पेसिटरी डिस्क्रिमिनेशन का पॉलिसी है यानी कि जो रिजर्वेशंस दिया जा रहा है या फिर जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं बैकवर्ड क्लासेस को वो नर्चर के कारण होते हैं नेचर के कारण नहीं क्योंकि एक बच्चा एक गरीब फैमिली में इकोनॉमिकली वीक फैमिली में पैदा हुआ है तो उसे एडिक्वेट फैसिलिटीज नहीं मिल रहे इसलिए क्योंकि उसका एनवरॉमेंट ठीक नहीं है ना कि उसके जीन्स ठीक नहीं है या फिर उसके डीएनए में कोई प्रॉब्लम है ये नर्चर का इशू है नेचर का नहीं तो ये लास्ट स्टेटमेंट भी गलत है तो ऑप्शन थ्री जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज प्रिडामेंटली हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर यानी कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो प्रिडामेंटली हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस होता है या फिर हेरिडिटी से अफेक्ट होता है पहला है पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़ बच्चा किस तरह के सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा वो तो किसके जीन्स में डी में नहीं लिखा है तो ये गलत है नेक्स्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पीयर ग्रुप यानी वो अपने हम उम्र के लोगों से किस तरह से बिहेव करता है ये भी कोई डी में नहीं लिखा होता जीन्स में नहीं लिखा होता तो ये भी गलत है नेक्स्ट थिंकिंग पैटर्न बच्चे का थिंकिंग पैटर्न जो है वो कुछ हद तक शायद हेरिडिटी से वो इन्फ्लुएंस होता है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादातर बच्चे को किस तरह से एजुकेशन मिला है बच्चे को किस तरह से ट्रेन किया गया है उसके बेसिस पे उसका थिंकिंग पैटर्न डेवलप होता है तो ये भी प्रिडामिनेटली अफेक्टेड बाई हेरिडिटी नहीं हो सकता अब लास्ट वाला कलर ऑफ द आइज़ कलर ऑफ़ द आइज़ जो है यानी आंखों के रंग जो है वो डेफिनेटली हेरिडिटी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है यानी प्रोडामिनेटली हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि अगर बच्चे के माँ बाप के ग्रीन कलर के आँखें या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स के ग्रीन कलर आँखें हैं तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं कि बच्चे को भी ग्रीन कलर आँखें हो जाएंगे तो कलर ऑफ द आइज़ जो है वो प्रोडामिनेटली अफेक्टेड बाई हेरिडिटी है एनवायरमेंटल फैक्टर्स द शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट यानी कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन से तीन ऑप्शन एन्विमेंट फैक्टर है तो इस तरह से हम एक फैक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे जो एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है अब जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा है दो तरह के फैक्टर्स होते हैं एक तो नेचर और दूसरा नर्चर और नर्चर को हम इन्विरोमेंटल फैक्टर भी बुला सकते हैं क्योंकि वो सारे फैक्टर्स जो हेरिडिटी से डिटर्मिन नहीं है लेकिन हेरिडिटी के अलावा जो बच्चे के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं वो होते हैं इन्वयमेंटल फैक्टर्स जैसे कि कल्चर यानी बच्चे को किस तरह से किस तरह के कल्चर में उसको बढ़ने को मिल रहा है तो ये इन्वयमेंटल फैक्टर है नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये भी डेफिनेटली इन्वामेंटल फैक्टर है और लास्ट वाला क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन यानी किस तरह का फूड मिल रहा है बच्चे को ये भी एक एन्विमेंटल फैक्टर है जो डेवलपमेंट को अफ़ेक्ट करता है तो एक ही ऑप्शन बचता है वो है फिजिक यानी क्या बच्चा टॉल है या शॉर्ट है क्या बच्चे का बोन स्ट्रक्चर किस तरह से है बच्चे का शे फेस का शेप कैसा है उसके आंखों के कलर कैसे है तो ये सारे जो है वो फिज़िक के अंदर आते हैं अब फिज़िक एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है क्योंकि फिज़िक जो है वो हेरिडिटी के कारण हो सकता है या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण हो सकता है लेकिन फिज़िक इट्सैल्फ़ एक एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है वो एक रिज़ल्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर का या फिर हेरिडिटी का तो यहाँ पर आंसर है फिज़िक ए चाइल्ड लर्नस प्रॉपरली इन एन एन्वामेंट विच डज विच ऑफ द फॉलोइंग यानी एक बच्चे को अगर ठीक से सीखना है उसका डेवलपमेंट ठीक से होना है उसका लर्निंग ठीक से होना है तो इनमें से कौन सा इन्वयरमेंट जो है वो उसके लिए बेहतर है अब अगर हम सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं तो तीसरा स्टेटमेंट दैट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है उसे हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि बच्चे के ज़िंदगी में अगर बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है तो वो उसके डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है अब हमारे पास तीन ऑप्शन बचते हैं और तीनों स्टेटमेंट जो है वो कुछ हद तक करेक्ट है जैसे कि देर आर अपॉर्चुनिटीज़ टू मेक फ्रेंड्स हाँ अगर बच्चे को अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं दोस्त बनाने के लिए तो इससे उसका सोशल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट पड़ता है सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए वो बेहतर है तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट गिव्स एम्पल स्पेस टू प्ले खेलना जो है वो डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो अगर बच्चे को फैसिलिटीज मिल रहे हैं स्पेस मिल रहा है खेलने के लिए तो ये भी करेक्ट ही है नेक्स्ट गिव्स ड्यू वेटेज टू इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द चाइल्ड अब ये कंप्लीटली करेक्ट स्टेटमेंट है अब तीनों स्टेटमेंट्स को अगर हम एवेल्यूट करते हैं तो हमें चूज़ करना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट है तो पहला जो बोल रहा है गिव्स ड्यू वेटेज टू इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द चाइल्ड ये इन तीनों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ये स्ट्रोंगेस्ट स्टेटमेंट है तो इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इमोशंस जो है वो प्ले से भी इफ़ेक्ट करते हैं और जब दोस्तों के साथ इंट्रैक्शन होता है तो उससे भी इमोशनल डेवलपमेंट होता है और बच्चे के एक्सपीरियंस में हम प्ले को भी इंक्लूड कर सकते हैं और वो जब तो अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो भी एक्सपीरियंस ही होता है तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट फोर और स्टेटमेंट टू जो है वो भी इंक्लूडेड है एक्चुअली स्टेटमेंट वन में तो स्टेटमेंट वन जो है यहाँ पे बेस्ट आंसर है और इसी के साथ हम इस पार्ट को कंक्लूड करते हैं अगर आपके कुछ फीडबैक या फिर क्वेश्चन है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा और बाकी आपको पता है क्या करना है तो मैं आपसे फिर से मिलता हूँ बहुत ही जल्द इस सीरीज़ के अगले वीडियो में टिल देन टेक केयर स्टे सेफ़